हेलो दोस्तों, कैसे आप। मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमने बताया कि आपका जो फर्स्ट लेसन है वो कंप्लीट हो गया है, तो आज हम लोग एक ऐसा लेक्चर करेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो रिसेंटली आपके पूछे गए एग्जाम में है, IIT JEE मेन्स JEE एडवांस में पूछे गए क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन को आप समझिए, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और उसे आपको पढ़ना है, देखना है क्वेश्चन कैसे हैं। बहुत अच्छे। तो एक्चुअल हम लोग क्वेश्चन जब लिखेंगे तो क्वेश्चन इसपे हम इसपे बोर्ड पे लिख देते हैं, क्योंकि उससे वीडियो बड़ी होती है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन पहले इसपे लिख लेते हैं, उसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इसे हमने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है और इसे मैं थोड़ा पढ़ के आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन क्या है, JEE मेंस में पूछा गया 2018 का क्वेश्चन, थोड़ा नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एन इनफाइनेटली लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड कैरीज ए यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा इफ द पर्सिस ए थिन नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ द रेडियस आर इन सच ए वे दैट द आर पी क्यू, जो उसमें दिख रही है यहां से पी क्यू, सबटेंडेड एट एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सेंटर ओ ऑफ द स्फेरिकल सेल एज शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। मतलब इनमें से हो सकता है कि एक सही हो सकता है इसके हिसाब से दो भी सही हो जाए इसके ऑप्शन। तो हम लोग इसको क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, डरने की बात नहीं है, ना ही है डरने की बात। ओके, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है। तो फ्लक्स हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी सरफेस से पास आउट करती है उसके परपेंडिकुलर गुजरती है रन करके, तो उसे हम लोग उसकी नंबर को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यहां पर उसने बताया है कि जो चार्ज, यहां पर ये वायर जो रखा गया है ये चार्ज है कि नॉन कंडक्टिंग है, बट चार्ज है। तो ये अगर चार्ज है तो ऑफ कोर्स इतना चार्ज इसमें मिल रहा है भाई हमको, जो पी क्यू है वो चार्ज इसमें इनसाइड हो रहा है। तो हमने बताया कि कोई भी एक सरफेस है उसके इनसाइड चार्ज है तो उससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का नंबर होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इतनी लाइन सपोज करो, इतना जो है ये तो बहुत बड़ा है लेकिन इतने दूर का इस स्फीयर के अंदर है तो हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते समय एक बात का ध्यान दीजिएगा, आप इसके लिए सबके लिए नहीं चार्ज लगा सकते, हमको इतने का चार्ज निकालना जरूरी है जो इनसाइड है। तो अगर हम लिखे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो भाई अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या कहती, ये बताती है कि आप जो टोटल फ्लक्स है वो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे फ्लक्स। तो आप कहते हैं Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ऑफ कोर्स Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें Q इनसाइड निकालना है। Q इनसाइड निकालने का यहां मतलब ये है कि कितना ये चार्ज इसके अंदर आता है। इस फिगर को हम थोड़ा बाहर कर लें, निकाल दें, टर्न कर दें। ये देखो क्या देख पा रहे हो, बराबर होना चाहिए लगभग। चलो ये रहा इस तरह का, ये टोटल एंगल कितना है 120। ओके, ये O है, ये P है, ये Q है, इसको कुछ मान लो, चलो B ले लेते हैं। तो भाई ये वाला एंगल कितना 60, नीचे वाला भी 60 हो जाएगा। और इसके सेंटर से इसके सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होती है उसको हम तो रेडियस कहते हैं। तो भाई साहब हमको किसी भी हालात में इसकी लेंथ मिल जाए, है ना, क्योंकि लेमडा स्कूल टू हम क्या जानते हैं, लेमडा स्कूल टू होता है चार्ज जो इनसाइड इसमें चार्ज दिख रहा है और इसकी लेंथ यानी कितना पी क्यू। तो हम आराम से यहां से निकाल सकते हैं, अगर हमें क्यू इनसाइड चाहिए तो क्या आएगा भाई क्यू इनसाइड के लिए, लेमडा इंटू पी क्यू। तो अफकोर्स हम किसी भी हालात में पी क्यू निकाल लेते हैं। तो आइए पी क्यू निकालते हैं। ये देखो 90 हो गया, इसके ठीक सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, बचा बेस।
तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन होता है? साइन का। तो साइन 60 इज इक्वल टू क्या आएगा बोलिए? ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना? पीबी अपॉन, और ये तो आर है, यहां से पीबी इज इक्वल टू आर इंटू साइन 60 होगा ना। साइन 60, तो यार साइन 60 का मान कितना होगा? 1√3/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करे, लेकिन हमें तो ये तो वैल्यू चाहिए नहीं, हमें टोटल चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी हैं? इक्वल है, बराबर। तो अगर ये बराबर हैं, तो भाई साहब हम इसको क्या लिख सकते हैं? पी को इक्वल लिख सकते हैं 2 times पीबी, मतलब ये दोनों बराबर है, तो हम इसको दो बार लिखे भाई। यहां से 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहां से √3 कितना आ गया? 3। ओके, तो हमने इनसाइड यहां निकाल लिया, कितना आ गया इसका इनसाइड? लेमडा, और यहां से r हो गया √3 कितना? 3। इसकी वैल्यू इसमें रख दे तो क्या आ जाएगा? देखिए दिख रहा है, फाइ e बराबर यहां से √3 को पहले लिख लीजिए, r लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये आपने फ्लक्स इतना निकाल दिया कि इसका फ्लक्स इतना आएगा, अफकोर्स इसका फ्लक्स इतना आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। लेकिन क्या और भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं? चेक कर ले, हो सकता है दो ऑप्शन करेक्ट हो जाए इसमें। तो यहां पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट ऑल पॉइंट ऑफ द सर्फेस ऑफ द सेल। ये बात समझिएगा, यहां पर जो ये लगाया इधर दिख रहा है आपको, थोड़ा सा मैं समझा दूं, यहां पर इस तरह का है, ये वो वायर है जो चार्ज है। तो किसी वायर के लिए जो चार्ज होता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? रेडियली होती है ना, ट्रुन 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 ऐसा करके सब तरफ होती है, रेडियली होती है, उसके चारों तरफ होती है। तो ये फील्ड इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है ना, अंदर हो सकती है, बाहर हो सकती है, ऐसा हो सकता है। सोचो ऐसे वायर इधर 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 हर तरफ हो सकती है। जो जेड कंपोनेंट है वो किधर है? ऐसे। तो इसकी फील्ड जो है ऊपर नहीं हो सकती, मतलब कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं हो सकता कि जो ऊपर की तरफ काम करे। तो ऑफ कोर्स इसके हर एक पॉइंट पर इसका जो इस डायरेक्शन में आएगा, जेड डायरेक्शन में, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता, कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट काम नहीं करेगा। तो हर एक के लिए, हर किसी के लिए इसमें जेड का जो कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा, तो जेड कंपोनेंट जीरो होगा। तो ऑफकोर्स यही सही हो सकता है, होगा सही हो नहीं सकता, होगा कि उसमें किसी भी हालात में इस फील्ड का कोई भी एक कंपोनेंट नहीं होगा जो जेड की तरफ काम करे, कोई भी कंपोनेंट जेड की तरफ नहीं काम करेगा। अब थोड़ा सा इनका भी डिस्कशन करते हैं। ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना आ रहा है √3 r लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना आ रहा है, तो ये तो वैसे भी नहीं सही होगा। दूसरी इस फोर्थ वाले के बारे में सोच ले, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द सेल एट ऑल पॉइंट। भाई देखो, हर एक पॉइंट पे तो नहीं हो सकता है। अगर ये कहता कि यहां कुछ जगह परपेंडिकुलर होगा, जैसे यहां के लिए इस वाले के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस वाले के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस वाले के लिए परपेंडिकुलर, ये वायर के लिए यहां पर परपेंडिकुलर होगा, यहां पर होगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर परपेंडिकुलर ही दिख रहा है ऐसे वाले में। लेकिन ये किसी भी हालात में ऊपर और नीचे के लिए परपेंडिकुलर नहीं हो सकता क्योंकि इसका कोई भी कंपोनेंट ऊपर काम ही नहीं कर रहा है, तो इसके लिए ऊपर और नीचे वाले के लिए नहीं होगा। इसका मतलब कि ये चीज क्या है? रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट। बात समझ में आई है अच्छे से? तो आइए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसे हम मिटाते हैं और एक दूसरा क्वेश्चन इस पे राइट करते हैं। देखिए एक हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जे मीन्स 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग करते हैं। क्वेश्चन मैं पहले पढ़ दूं और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे समझ में आना चाहिए, तब उसके बाद हम लोग करेंगे।
द रीजन बिटवीन टू ऑफकोर्स सेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई एल बी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बाय रो इज इक्वल टू ए अपॉन आर where r is the constant and where a is the constant and r is the distance from the center. At the center of the sphere is a point charge q. The volume of a, value of a such that the electric field in the region between the sphere will be constant each. ये कह रहा है कि आपसे दो कोसेंट्रिक स्फीयर हैं, उनकी रेडियस अलग अलग है. मैं बना देता हूं. कोसेंट्रिक का मतलब है कि दोनों जो स्फीयर हैं उनका चार्ज जो उनका जो सेंटर है वो एक जगह है, तो उनका सेंटर हम लोग एक जगह कर देते हैं. ये देखिए, और एक और भी बना दीजिए इसी में. ठीक, ऐसा बना दिया हमने. अब ये कह रहा है कि जो कोसेंट्रिक ये है इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है क्यू. यहां पर ये प्लस में है. ओके, इस अंदर वाले की रेडियस ए है और जो बाहर वाला है उसकी रेडियस बी है, उसकी रेडियस बी है. ओके, तो हम क्या करते हैं कि हम दो के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. पहली बात तो ये है कि एक देखिए इससे घिरा हुआ या चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी. फिर हम दूसरे की बात करेंगे, तो हम क्यों नहीं ऐसा कह देते कि दो पॉइंट पहले से जूम कर लें, एक और दो, अंदर वाले को एक और बाहर वाले को दो. तो यहां पर कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम टू पॉइंट्स. कौन कौन? वन एंड टू. ये हमने दो पॉइंट लिया, एक और दो, और फिर हमने ही बता दिया कि इनकी जो फील्ड होगी वह दोनों सेम रहेगी. भाई तो हमने इनको सही कह दिया कि दोनों बराबर रहेगी. अच्छा, ये दोनों बराबर होंगी कैसे, अब इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है. तो हम अलग अलग के लिए करते हैं. तो पहले हम लोग बात करते हैं फॉर इवन, मतलब कि पहले हम लोग इवन को कैलकुलेट करेंगे, इवन की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो इवन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप सोचो जरा सर कि अगर ये चार्ज इनसाइड होता तो ये इसका जो स्फीयर होता उसका हम लोग अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जब लिखते, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो भाई गॉस थ्योरम क्या कहती, उसका टोटल फ्लक्स निकालना है. तो अगर हम टोटल फ्लक्स वाई इज इक्वल टू लिखते हैं तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है. और इसको टोटल कैसे लिखा जाता है, इसको लिखते हैं E इंटू डी ए, है ना. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी डायरेक्शन एक तरफ होती है तो यह E डी ए कॉस थीटा हो जाता था. Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे करते थे, इंटीग्रेशन करते थे. इसकी वैल्यू अगर जीरो हो गई तो ये वन हो गया, और ये इसका क्या होता था, एरिया होता था. तो E इंटू फोर पाई, इसकी रेडियस a है तो इतना हो जाता q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ऐसा होता कि नहीं होता, तो हम डायरेक्टली यहां पर इसको यूज कर देते हैं. तो कितना आ जाएगा, e इंटू फोर पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू q इसके इनसाइड है. अगर हम अंदर वाले स्फीयर की बात करते हैं तो अंदर वाले स्फीयर के अंदर एक चार्ज है जिस जो q है, कैपिटल q, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इवन है तो हम यहां इवन कर लेते हैं. इवन बराबर वन बाई यहां से फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां क्यू अपॉन ए स्क्वायर होगा. ओके, आपको बात समझ में आ रही है कि इसके अंदर चार्ज है, इनसाइड है चार्ज, वो चार्ज है उसके बाहर एक स्फीयर है और उस स्फीयर के कारण बाहर एक स्फीयर है और इस चार्ज के कारण इस स्फीयर पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी. ओके राइट, बहुत अच्छे. अब बात करते हैं फॉर E2 के लिए. बोलिए E2 की बात करिए, फिर उसी तरह से हम लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम. तो भाई अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम होगा. अब इस गॉस थ्योरम के लिए आप क्या करोगे, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है. E2 इस बड़े वाले के लिए एरिया हमें लिखना है, तो जैसे इसमें लिख रहे थे उसी तरह बड़े वाले के एरिया
फोर पाई बी स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है दो चीजें। पहली चीज, अगर हम इसको ध्यान से देखें, इस बड़े वाले, ओके, तो इसमें दो चीजें हैं समझने की बात। एक चार्ज तो इसके सेंटर पे है, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, चार्ज इसके सेंटर पे है। आप सोचो ऐसे, एक जगह चार्ज है सेंटर पे और उससे पूरा ऐसे भरा हुआ है ना, तो एक चार्ज इंक्लूड हो गया जो कैपिटल क्यू है। दूसरी चीज कि इसका जो डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वो आर के साथ बदल रही है, मतलब आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आप जैसे जैसे उस स्फीयर के सेंटर से अवे जा रहे हैं, वैसे वैसे उसकी डेंसिटी घट रही है चार्ज की। तो हमें तो यहां पर एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये जो खाली जगह है, जो इस स्फीयर की बात करें, इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, क्यू है, लेकिन हमारे पास जो इस बीच में जो सेल बच रही है ये वाली, उसका चार्ज तो हमें नहीं पता है। तो उसका चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। तो दो चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगी, एक तो इनसाइड हो जाएगा ये वाला चार्ज जो है क्यू है, दूसरा चार्ज होगा जो बीच में यहां जगह बच रही है सेल, इसमें चार्ज कितना है ये हम लोग निकालेंगे इसकी डेंसिटी के हिसाब से। तो यहां पर हम लिख लेते हैं प्लस चार्ज इन सेल, मतलब कि उस सेल के अंदर कितना चार्ज है, ओके। हम किसी भी हालात में यही निकालेंगे कि इसके अंदर चार्ज कितना है, ओके। तो इसके लिए हम इसको हटाते हैं और लेकर आते हैं इसके बीच में एक छोटी सी थिन हम सेल लेंगे। तो आइए सेंट्रल सेल लिया जाए, ये एकदम सेम इसी तरह बनाया जाए। फिलहाल तो एक जगह बन गया, तो हर जगह वैसा तो बन नहीं पाएगा, हाँ नहीं ना बन पाएगा भाई, तो नहीं बन पाएगा तो मत बन। ओके, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है तो हम इसको ऐसे, और इसका सेंटर यहां है, एक इसके बीच में बना दीजिए जिसका रेडियस कितना है, कोई पुरानी वाली बात, कितना रेडियस होता था, कितना होता था, ए होता था, इसको थोड़ा और बड़ा कर दीजिए ताकि लगे कि बीच में थोड़ा भी कुछ बनाना है, बन ही नहीं रहा, एक बार में एकदम नहीं बन रहा है। चलो अब नहीं मिलाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा जो भी बन गया बन नहीं रहा है। इसकी रेडियस कितनी है, ए, ओके। जो बाहर बेचारा है उसकी रेडियस कितनी है, और हमें क्या करना है, इसके बीच में ये वाला चार्ज हमें चाहिए जो बीच में खाली जगह दिख रही है, उसी का चार्ज हमें निकालना है किसी भी हालात में। तो हम क्या करें, इसके बीच में एक सेल लेते हैं, ये बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, आपको मैं जगह बताया भी था कि जब डेंसिटी सेम ना हो तब आप उसका कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। इसके बीच में एक छोटा सा आप क्या करते थे, एक स्फेरिकल सेल लेते थे जिसकी कुछ मोटाई भी ले लेते थे अपने हिसाब से, कुछ इसकी मोटाई वोटाई ले लिया जाए ड्रिल करके। ये बी बेचारा है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, ये बी है, यहां से ऐसे ऐसे कुछ 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 करके कुछ कुछ ऐसे कुछ 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 हो गए। तो इस जो स्पेकल सेल हमने माना है उसकी रेडियस भी कुछ होगी, चलो एक्स है, और इसकी जो थिकनेस है वो भी तो पता होनी चाहिए, तो इसकी थिकनेस डी एक्स ऐसा मान लिया है, उसी का चार्ज हमें निकालना है। तो आप जैसे उसमें करते थे उस तरह को उस लेक्चर को आप देखें ध्यान से और एक कॉन्सेप्ट को समझें, इसको हम बाहर निकाल दें, जो ये वाला दिख रहा है जो टक 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 करके दिख रहा है उसको आप बाहर निकाल दें और फैला दीजिए इसको। तो हमने इसको ऐसे फैला दिए, ऐसे कर दिया, चुक चुक करके फैला दी, चुक ऐसे ना। तो इसमें दो चीजें, जो उसका पार्ट एक स्फेरिकल था ऐसे, हाथ देखना ऐसे खुल गया पूरा, तो एक हमने उसको मान लिया कि ऊपर वाला जो सरफेस है वो तो उसका एक एरिया होगा उसके ऊपर का पूरा तरह से, उस एरिया के लिए हमारे पास कितना, फोर पाई एक्स स्क्वायर होता है। अब उसमें उसकी जो थिकनेस है, हाई बेचारा जो है इसकी डी एक्स, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है जनाब तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू
थिकनेस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो एरिया सी कितनी आ जाएगी, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, नहीं होगा। अब यहां से हमने वॉल्यूम इसका निकाल दिया, अगर हमें इसका चार्ज चाहिए तो चार्ज डेंसिटी के लिए हमें क्या है कि हम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू वो जानते हैं क्यू अपान क्या होता है वॉल्यूम इसका, क्यू अपान इसका क्या होता है वॉल्यूम। लेकिन ध्यान रहे कि हम यहां पर इस छोटे से पार्ट के लिए चार्ज निकाल रहे हैं, हमें पूरा इस वाले तक चाहिए, कहां से लेकर इस वाले का जो सर्कमफेरेंस है वहां से और लास्ट वाले एक सर्कमफेरेंस के बीच जितनी जगह बच रही है उन्हीं का हमें चार्ज चाहिए। तो हम इसको छोटा सा कर रहे, ये वॉल्यूम भी छोटा सा है, तो आप क्या करो यहां से dq इज इक्वल टू रो इंटू बी। रो को अगर यक्स के फॉर्म में लिखना हो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस यक्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, a अपान यक्स लिख सकते हैं, तो हम यहां लिख देंगे a अपान यक्स, और ये लिख लेंगे वॉल्यूम इसका कितना 4 पाई यक्स स्क्वायर डीएक्स, राइट। यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहां से dq बराबर यहां से बचेगा 4 पाई a यक्स और dx, ओके। अब क्या करें, इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे, कहां से कहां तक, हमको इसके सेंटर से कहां से कहां तक जाना है, इसके सेंटर से नहीं जाना है, हमको सेंटर से तो लेना ही नहीं, उसके अंदर तो चार्ज है ही, इसके सर्कमफेरेंस से इसके सर्कमफेरेंस तक जाना है। तो अगर हम यहां से इसकी डिस्टेंस देखें तो a है, और a से कहां जाना है b पर जाना है टोटल। तो हमारे पास चार्ज इन सेल जो बीच में जगह है उसके लिए चार्ज निकाला जाए, तो उसको इंटीग्रेट कर दें, यहां से 4 पाई a इंटीग्रेशन a से लेकर कहां तक b और x और यहां dx। फिर से ध्यान से समझिएगा, हमको चार्ज कहां से कहां तक निकालना है, हमको चार्ज चाहिए यहां से जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन, ये वाला, इस पोर्शन से यहां तक के बीच का चार्ज चाहिए, और आपने उसमें से एक छोटा सा पतले से भाग के लिए आपने चार्ज निकाल लिया, तो आप इसका चार्ज निकालो, कितना आएगा भाई 4 पाई a इसका इंटीग्रेशन 2 और डिवाइड बाई यहां से a से b, और ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 2 पाई a यहां हो जाएगा, और यहां x स्क्वायर बचा, पहले कौन सी लिमिट अपर फिर माइनस लोअर लिमिट। तो आपने जो सेल पे चार्ज होना चाहिए, जो इसके बीच में जितना चार्ज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो इसके बीच में जो चार्ज होगा वह 2 पाई a बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में इतनी आई, तो इसे आप स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। इतनी क्वेश्चन, आगे हम चलते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कि आप याद रखिएगा इस वैल्यू को, और वो वैल्यू हमने इसमें पुट अप करते हैं, इसको मिटा देते हैं, चलो मैं मिटा दिया, ओके। अब हमारा जो ई टू है वो कितना आ जाएगा, आप देखो यहां से आपका आ गया e2 4 पाई b स्क्वायर और इज इक्वल टू यहां से q प्लस, इसकी हमने चार्ज यहां से फाइंड आउट कर लिया है, तो 2 पाई a और यहां से बोलो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पूरे के अपार कितना है एप्सिलॉन नॉट, राइट। बाकी करना क्या है, सबको इधर भेजो, तो यहां से हमारे पास इसके लिए q अपान, यहां देखो इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां बी स्क्वायर प्लस, इस वाले के लिए देखा जाए तो यहां आ जाएगा 2 पाई ए यहां से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान, ये सब नीचे आएगा तो 4 पाई बी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, तो आप इसको 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर दीजिए, राइट, 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, ओके। चलिए यहां से आ जाएगा कितना e2 बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b स्क्वायर, थोड़ा सा इसको एडजस्ट में लिख लें, a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट b स्क्वायर, इतना आ गया, ओके। अब क्या करें हम लोग, इसको तो आपने नोट ही कर लिया, दोनों की फील्ड को इक्वल कर दीजिए,
हमारे पास दो फील्ड है, एक फील्ड E1 है और एक E2 है। दोनों को जब आप इक्वल करेंगे तो E2 बराबर E1 E2 बराबर E1 या E1 बराबर E2 ऐसा करके आएगा। E1 की वैल्यू यहां से 1/4πε0qa² बराबर यहां से q/4πε0b² प्लस यहां से a(b²-a²)/2εb²। ओके राइट, इतनी वैल्यू इसमें से आएगी। तो देखिए इसमें अब इसके बाद क्या करें, इसको थोड़ा इधर लेते हैं। ये तो इसमें जो कॉमन है उनको कॉमन कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं। यहां से 4πε0 ठीक, इसमें से कितना 1/a² बच जाएगा, इधर वाला आएगा तो 1/b² हो जाएगा। a(b²-a²)/2εb², ऐसा हो जाएगा। इस थोड़ा सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा q/4πε0 यहां से b²-a² इस तरह से, और यहां से a²(b²) = a यहां b²-a²/2εb²। b ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये ऊपर का भी इससे कैंसिल आउट होगा, यहां ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 times कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 2। तो देखो क्या बचा है उसको हम लोग करते हैं। यहां से बचा है q/2π राइट a²=2। उधर कितना बचा है, उधर सब गायब हो गया है, a बचा हुआ है राइट, है ना, कितना बचा हुआ है a बचा हुआ है। तो देखिए इसमें a बचा हुआ इतना है, तो इसे आप देखें ध्यान से, देखिए ये है, इसमें ऑप्शन देख लीजिए कोई है, ये ऑप्शन इस तरह का नहीं है, ये दरअसल ऑप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए, ये करेक्ट राइट। इसे क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसे आप समझ सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को आप देखिए और इसको उसकी सॉल्व कर लें। अब हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे और वो क्वेश्चन मैं आपको पहले मैं इस पे लिखता हूं, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को थोड़ा समझाता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये जेई 2012 में पूछा गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखें क्वेश्चन को, उससे थोड़ा लेट कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करिए। एन इनफिनिट लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस आर हैज ए यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, इट हैज ए स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r/2 विथ इट्स सेंटर एट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड EF एट द पॉइंट P इज समथिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह का नहीं था, कि क्वेश्चन में थोड़ा और आगे बढ़ाया कि इस K की वैल्यू जो है वो 0 से 9 के बीच होगी, इतना उसने वो आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया। आइए पहले हम लोग एक बनाते हैं सिलेंडर, अच्छा ओके ओके सिलेंडर, चलो सिलेंडर देख लो, ये सिलेंडर, ये आपका एक सिलेंडर है, सिलेंडर सिलेंडर है, अच्छा सिलेंडर है। देखो यार ये तो सिलेंडर हो गया भाई, इसकी ये एक्सिस है ओके, कटक कटक कट 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 कर करे, इसका ये सेंटर है, हाँ जी, इसके सेंटर से ये एक्सिस है, कुछ नाम दे दियो, जितना मन करे कुछ कर दियो यार, कुछ तो इसमें कर दिया करो, ली बाबूती ना इतना गंदा कर दिया, ये चलो जेड है, चलो वाई है, ये चलो एक्स समथिंग। इस बेचारे की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है ओके, है ना, और ये एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये नॉन कंडक्टर है ओके,
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे दिया तो नॉन कंडक्टर ही रहेगा ना। यहां पर एक छोटा सा स्फेरिकल कैविटी है जो आपको मैं यहां दिखा दू, थोड़ा बड़ा मत बनाओ भैया, आधा ना इसकी रेडियस आधा होनी चाहिए ना, तो आर बाई टू इसकी रेडियस है, दिख नहीं रहा होगा तो भी आप समझिएगा आर बाई टू। इससे कितनी डिस्टेंस पे, टू आर डिस्टेंस पे इसके एक्सिस से एक पॉइंट पी है और वहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी अगर होगी इसी तरह की कुछ तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। आइए पहले तो हमें सिलिंड्रिकल फॉर्म के लिए अगर करें तो आप यूं सोचो कि ये कैसा है, एक नॉन कंडक्टर सिलेंडर है तो नॉन कंडक्टर में चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है, नॉन कंडक्टर में चार्ज उसके पूरे होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब कि उसमें पड़ा रहता है, राइट। तो इसके लिए हम लोग गॉस थ्योरम लगाने के लिए एक छोटा सा एक सिलेंडर कंसिडर करते हैं ऐसा, ओके। तो हमने इसमें एक सिलेंडर कंसीडर किया ऐसा, ऐसा एक सिलेंडर कंसीडर, और ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज हम लेते ही हैं, हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर सब तरफ भागेगी। कहने का मतलब आप सोचो कि वो सिलेंडर है तो सिलेंडर में जो फ्लक्स होगा वो किसके लिए केवल होगा, वो फ्लक्स केवल उसका जो कर्व वाला है उसी के लिए होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस उसी से पास आउट कर रही हैं जो ऊपर वाला सरफेस है, दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, जो ऊपर वाला सरफेस है उससे तो पास आउट नहीं करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पास आउट करेगा। पुराने जमाने वाली बात हुई कि ये इधर हो गया इसका एरिया वेक्टर और इसकी फील्ड इधर हो गई, तो जाहिर सी बात है इससे फ्लक्स नहीं क्रॉस करेगा, तो इससे फ्लक्स नहीं क्रॉस करेगा इसका मतलब इसका फ्लक्स तो जीरो होगा, तो इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए नहीं होगा, बाकी जो कर्व वाला एरिया है उसके लिए फ्लक्स होगा। तो हम डायरेक्टली लगा दें, इसमें लगा दो भी किससे, गॉस थ्योरम लगा दे अकॉर्डिंग टू वही यार गॉस थ्योरम, हां जी तो बोलो इसमें गॉस थ्योरम लगा दो, क्या जाता है, कुछ नहीं ना जाता है, गॉस थ्योरम लगाओ। तो कहते अच्छा कैसे लगेगा गॉस थ्योरम बता दियो, तो गॉस थ्योरम लगेगा इस तरह से भाई, ई करते हैं उसके पास उसका एरिया लिया जाता है। फिर से मैं आपको बता दूं हमको उस प्लेन वाले एरिया से नहीं मतलब है क्योंकि वो फ्लक्स बना नहीं रहा, कौन सा एरिया से मतलब है, जो ये इस तरह सा कर्व सा है उसी एरिया से लेना देना है। तो आइए उस एरिया की बात करें, 2 पाई आर एल, अगर इसकी लेंथ एल है तो 2 पाई आर एल होती है, हम लोग ऐसा कर लेंगे, लेकिन इसकी जो रेडियस है वो जनाब 2 पाई 2 आर है, ओके, इसकी लेंथ तो एल है, ओके समझ गए। फिर यहां पर वही पुरानी सी कहानी क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा हम लोग अच्छा कर लें, इसको इवन कर लो अच्छा करना, इसका कितना 4 पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू, यहां से क्यू इन साइड, आइए क्यू इन साइड निकाल दिया जाए, इसके लिए क्यू इन साइड निकालना है तो चूंकि वो तो पूरी तरह से चार्ज है, ऐसे तो पूरा चार्ज है, लेकिन हमको जितना हमने गॉसियन सरफेस लिया है ऐसे करके, तो वो जो गॉसियन सरफेस ये है गॉसियन सिलेंडर है इसके बराबर यहां पर चार्ज चाहिए, तो चार्ज कितना होगा, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, रो है, तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू होता है, तो हम क्यों नहीं क्यू इन साइड लिखें और नीचे वॉल्यूम कर लें, तो यहां से क्यू इन साइड क्या मिलेगा आपको, रो इंटू वी, तो बोलो भी रो वी क्या है, वॉल्यूम है, कितने दूर का वॉल्यूम चाहिए, जितना चार्ज उसको कवर, जितना वो गॉसियन सरफेस उसको कवर कर रहा है उतने ही चार्ज की हमें जरूरत है, तो इसमें कितना आ जाएगा भाई बोलो, इसके लिए तो इसके लिए इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भाई 4 पाई आर स्क्वायर एल होता है, लेकिन इसकी टोटल रेडियस कितनी, 2 पाई आर
आर स्क्वायर इंटू यल यहां हो जाएगा भाई। देखिए तो क्यू इन साइड रो इंटू वी, तो ये इसका वॉल्यूम है, लेकिन यहां पर देखिए इसका तो वॉल्यूम चाहिए नहीं, चार्ज तो इस छोटे वाले पर है जो अंदर है, जिसकी रेडियस कितनी है आर, यहां पर इसकी रेडियस कितनी रहेगी आर वाला हम लिख देते हैं ऐसे करने वाले की आर स्क्वायर इंटू एल। ओके ये वैल्यू इसमें रखी है तो कितनी आएगी देखा जाए, ई वन इंटू फोर पाई आर एल इज इक्वल टू यहां से रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यल से यल कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको आप इधर भेज दें तो ये आ जाएगा ई वन इज इक्वल टू रो, इसके साथ आर भी आएगा नीचे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर वन कोई जरूरत है नहीं, फिलहाल मैंने बना दी। एक फिल्म तो इस स्फेरिकल पार्ट के लिए हो गई, जो इसके अंदर एक कैविटी है जिसकी रेडियस आर बाई टू है, जो उसके अंदर एक है एक स्फेयर है, उसकी उसके लिए हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो उसके लिए टर्न इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे देख लीजिए। फुफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ओके, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए, और ऐसा हम अपनी बार बात जो कर रहे हैं वह इस छोटे से जो पार्ट था इसमें यहां पर R बाय टू, इसके लिए हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा बहुत छोटा लिख गया, R बाय टू है समझिएगा, और इससे कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, 2R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो क्या करना है कुछ आपको, एक कंसीडर कर लीजिए इस स्फेरिकल पार्ट, थोड़ा इतना लंबा नहीं कर, इतना भी बड़ा नहीं हो, थोड़ा बड़ा अच्छा ऐसे, चलो टेढ़ा मेढ़ा कह देंगे, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे, यह आपका गॉसियन सरफेस होगा। ओके तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो इसी तरह भाई, तो आप फिर से एक आर डी टू कौन सा भाई गॉसियस थ्योरम बोलो, अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम करोगे तो ई टू कर लो इसको, अब बोलो क्या करना है, तो करना कुछ नहीं है, इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता चूंकि इसके में 2R का स्क्वायर हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है तो Q वही वाली बात जो उसमें होता था Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके तो E2 इनटू यहां से 4 कितना 16 पाई आर स्क्वायर, इसका बोलो जल्दी से उसी तरह आप निकालना है, तो इसका Q इनसाइड क्या आएगा, Q इनसाइड रो इंटू वी, रो इंटू कितना 4/3 पाई, लेकिन ध्यान दीजिएगा चार्ज किस वाले पे है, जो अंदर छोटा सा पार्ट है इसके लिए चार्ज है, क्यू अपॉन आर अपॉन टू का होल स्क्वायर नहीं बल्कि होल क्यूब होगा। ओके तो इसके पहले यहां रख दो क्यू 4/3 उसका तोड़ लो तो क्यूब अपॉन कितना 8 ε0 राइट, सबको उधर ट्रांसफर करिए तो E2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें बोलिएगा पहले तो इसको थोड़ा कैंसिल आउट कर लीजिए, इकट्ठे काम चल जाए कुछ, तो ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सबको नीचे भेजिए और ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो कितना बचेगा इधर देखिएगा, इधर ऊपर बचेगा रो इंटू आर, यहां से 4 नीचे आएगा और ये 8 3 कितना 24, तो इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 96 ε0 आएगा, ये इक्वेशन नंबर 2। यहां पर जो पी पॉइंट था उसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, एक उस सिलेंडर के कारण आई है एक स्फेयर के कारण आई है, तो सिलेंडर और स्फेयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसका हम रिजल्टेंट निकालें, और उसका रिजल्टेंट निकाल के फिर उसके बाद हमारा
देखेंगे, उससे तुलना कर देंगे, इससे कंपैरिजन कर देंगे, आ जाता है कि नहीं आता है। इसको हटा दें, इधर का हटा दें। तो यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट पी पर, कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है सबको मिटा देते हैं, सभी को, इधर का भी मिटा दें सब, राइट। हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारे पास यहां पर इसका अगर रिजल्टेंट फाइंड करें तो E1 माइनस E2, ध्यान रहे आपको E1 किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्फीयर किसका है, सिलेंडर का, E2 किसका है, स्फीयर का। तो ये रो आर अपान 4 एप्सिलॉन 0 है माइनस रो आर अपान ये इतना एप्सिलॉन 0 है, इसको थोड़ा कॉमन कर लीजिए, रो आर 4 पाई एप्सिलॉन 0 को पूरा कॉमन कर लीजिए, 1 बचेगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो 1/2 यहां इतना बच जाएगा, तो रो आर बाई 4 एप्सिलॉन 0 इसे सॉल्व करोगे तो 23/24, इट मींस 23 रो आर अपॉन 96 एप्सिलॉन 0, ये ई आया है। और उसने बताया है इस पॉइंट पर आया है पी पर, तो उसने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतनी है, तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों फील्ड इक्वल होंगी आपस में, तो दोनों फील्ड हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, और ये इतना रो आर यहां पर के एप्सिलॉन 0, अगर उनकी हम कंपैरिजन करें तो इसमें और इसमें देखो बस यही है, तो ये आ जाएगा 16 के इज इक्वल टू 96 अपॉन 16, इसे सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगा, यानी के की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 6। ओके क्वेश्चन आप देख लें एक बार और इसे सॉल्व कर लें। ओके बढ़िया क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ए चार्ज बॉल बी हैंग्स फ्रॉम ए सिल्क थ्रेड, एक रस्सी से बंधी है, और ये जो चार्ज वायर है कंडक्टिंग सीट वायर नहीं बल्कि ये सीट, और इस चार्ज सीट से ये थीटा एंगल का बनाती है, तो हम सब बताना ये है कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, कास थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा की टेन थीटा किसके प्रोपोर्शनल होगी, यही हमें बताना है। तो अगर ये चार्ज सीट है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये तो फील्ड हम जानते हैं। अच्छा आईएस को देखते हैं, ये इसका कुछ ना कुछ मास होगा तो एमजी नीचे काम करेगा, फोर्स काम करेगा। यहां ध्यान दीजिए ये जो है प्लस क्यू चार्ज है, ओके यहां बी को थोड़ा जल्दी दीजिए, ये प्लस क्यू और ये प्लस, तो किधर भगाएगा इसको, धक्का देगा इधर, यानी इस पे बल लगेगा, फोर्स लगेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई से, है ना। यहां पर टेंशन टी है, तो अगर हम इसको कंपोनेंट कर दें इसका, तो ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा और ये वाला कौन आ जाएगा जनाब, टी कोस थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा, ओके टी साइन थीटा। अब बात करें यहां इक्विलिब्रियम में, ओके एट इक्विलिब्रियम में तो सब फोर्स इक्वल रहेंगे, है ना, यहां से टी साइन थीटा इज इक्वल टू, इसे थोड़ा और अच्छे से बनाना चाहो तो क्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यूज में रख दो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, यहां से आ जाएगा क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इस टी कॉस थीटा को अगर ध्यान से देखा जाए तो किसी तरफ बॉल तो भाग नहीं रही है, ना इधर भाग रही है, ना ऊपर नीचे हो रही है, तो ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा ना, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। फिर वही पुरानी सी कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल साइन अपॉन कॉस, तो ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई क्यू सिग्मा अपॉन एम जी एप्सिलॉन 0, सबको हटाओ बस हमको सिग्मा को लेना है, यहां से सिग्मा क्या मिलेगा, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा की, तो ये टेन थीटा की प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन समझ आया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ओके इसे आप देख लें और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा लिखना था इसलिए मैं लिखाने में समझा देता हूं।
ये डायलेक्ट्रिक स्फीयर है, 1, 2, 3, ओके, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके होल वॉल्यूम में है। इसके पास चार्ज क्यू है, इसकी रेडियस आर बाई टू है, और इसके सेंटर से यहां आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पर है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो इवन रहेगी, और उसी तरह इसके सर्कमफेरेंस पे जो पॉइंट पी है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट करनी है, तो इस पे ये पूरा इसका जो रेडियस है 2r है, इसके अंदर r रेडियस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट करनी, तो हमें देखना है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, किस सीरीज में आएगी, कैसा उसमें रिलेशन होगा। तो ये देखिए, पहली बात तो हमें जब बाहर डायलेक्ट्रिक के लिए बताना होता है तो हम क्या करते हैं, क्यू अपन आर, टोटल चार्ज अपन उसकी जहां तक उसकी डिस्टेंस होती है, यहां से हो गई आर स्क्वायर, पहली रे। फिर इसके बाद दूसरी चीज कि अगर हम इसके लिए बताना उसके सर्कमफेरेंस पे, तो चार्ज ले लो कितना है, 2q अपन इसकी रेडियस तो आर है, एकदम ऑफकोर्स करेक्ट। तीसरा वाला देख लो के, और इसके लिए होता है क्यू अपन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। ध्यान दीजिएगा, ये आर जो होता है उसकी रेडियस वाला होता है, उसकी रेडियस है, और जो स्मॉल आर है जहां पर हमें बताना है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके हिसाब से अगर हम इसको लिखते तो क्या आता है, के तो रहता उसी तरह का, क्यू इसमें कितना है, 4q है, और ये रेडियस कितनी है टोटल, तो यहां पर रेडियस है 2r का होल क्यूब इंटू कहां तक हमें बताना है, ये r डिस्टेंस पर बताना है, तो k यहां से 4qr अपॉन ये हो जाएगा 8r³, ये 2 times कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो q यहां k³ और अपॉन 2r³। सब देखिए इसमें कौन फील्ड ज्यादा है, 2 वाली ज्यादा है सबसे, ये देख लो इसमें 2 times हो रहा है, और इसके बाद ये 1 times है, इसका मतलब ये छोटी है, और ये हाफ हो रही है उसकी, ये उससे भी छोटी है, 3 वाली उससे भी छोटी है। तो इस तरह सा इसका क्रम होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इसे आप कर लें। तो एक चीज और, हमने आपको ये पूरा एक लेसन कंप्लीट कर दिया, और उसमें जितने भी लेक्चर लगे हों आपको डरने की बात नहीं है, ऐसे आगे लेक्चर करते रहेंगे हम, और उसे आप देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करिए, और उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये सारी चीजें आप करिए उसमें, और दोस्तों को दिखाइए, दोस्तों से बताइए, ओके। और बाकी हम तो यहां पर आपको कुछ न कुछ फुल तैयारी आपको कराएंगे, ओके। सो थैंक यू।